इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर। मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग का जिक्र जो हमने इससे पहले अपने वीडियो में भी किया था, हमने बताया था किस तरीके से तबरेज अंसारी को जो है किस तरीके से जो है वो मॉब ने जो है एक भीड़ ने जो है वो उसको जान से मार दिया गया था, उस पर चोरी का आरोप था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2017 की। 2017 में भी मॉब लिंचिंग हुई थी, 2017 से पहले भी मॉब लिंचिंग हुई थी। आज आप पहलू खान की बात करेंगे। पहलू खान को 2017 में जो है वो पीट पीट के भीड़ ने मार दिया था। उस पर आरोप ये लगाया गया था कि वो जो है वो गाय की तस्करी करता है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बवाल भी मचा था। लेकिन जो लोग थे जिनके खिलाफ वो रिपोर्ट थी उनको छोड़ दिया गया था। बहरहाल उसकी बात हम करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन इसमें दो जो मोड़ आए हैं उन मोड़ों की मैं बात बता दूं। एक तो मोड़ ये था कि पहलू खान जिसकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने जब चार्जशीट दायर की तो उसमें बताया जा रहा है कि पहलू खान का भी नाम था। पहलू खान पे मुकदमा था, पहलू खान पे FIR थी कि पहलू खान जो थे वो जो है इसमें आरोपी हैं। उसके साथ साथ जो उसके दो बेटे हैं उनको भी दो आरोपी ठहराया गया था। साथ में जो पिकअप ड्राइवर था जिसमें जो गाय को लाया जा रहा था उसको भी जो है वो आरोपी जो है वो ठहराया गया था। जो इससे पहले चार्जशीट की बात कर रहे हैं जो राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट जो है वो दायर की है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ जब आया, जब शनिचर को जो शनिवार को CM है अशोक गहलोत, उन्होंने इस चीज़ की सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो पहलू खान है, पहलू खान का नाम जो है वो चार्जशीट में नहीं है। जी हाँ, अशोक गहलोत ने इस चीज़ की सफाई दी है कि पहलू खान का जो नाम है वो इस चार्जशीट में नहीं है। बहुत सी चार्जशीट जो थी वो दायर की गई थी, लेकिन मीडिया ने जो है इसको वो मिक्स कर दिया। मीडिया ने इसको सही तरीके से नहीं लिया, और मीडिया ने ये दिखाया कि पहलू खान के खिलाफ जो कि शख्स मर गया है उसके खिलाफ भी जो है वो FIR हुई है। सोचने वाली बात यह है कि 2007 में किस तरीके से एक इंसान को जो है वो बीच सड़क पे जान से मार दिया जाता है। जिन आरोपियों के खिलाफ वो पहलू खान ने मरने से पहले जो बयान दिए थे, जिनसे कहा था कि ये लोग जो है वो इन्होंने मुझे मारा है, ये मेरे कातिल हैं, जिनके खिलाफ बयान दिए गए थे, पुलिस ने उनको महज इस बुनियाद पर छोड़ दिया कि उनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो उस वक्त उस जगह की नहीं थी जहां पर यह हत्याकांड हुआ था। पुलिस ने सिर्फ इसलिए उन लोगों को बरी कर दिया। देखिए, ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि ये हमारी पुलिस है, ये हिंदुस्तानी पुलिस है, ये किस तरह के तत्व रखती है कि किसी इंसान की अगर मोबाइल लोकेशन नहीं मिल रही है उस जगह की तो उस आरोपी को छोड़ दिया जाता है। और आरोपी भी ऐसा नहीं, कोई चोरी का आरोप नहीं, मर्डर का आरोप। चोरी के आरोप वाले को जान से मार दिया जाता है, और जिसमें मर्डर का आरोप है उसको महज इसलिए बरी कर दिया जाता है क्योंकि उसकी मोबाइल की लोकेशन उस जगह की नहीं थी जिस जगह पर पहलू खान को जो है मारा गया था। फर्ज कर लीजिए मैं अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़ जाता हूँ और किसी और जगह जाके क्राइम कर लेता हूँ, किसी और जगह जाके कोई अपराध कर देता हूँ, क्या पुलिस मुझे छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। बहरहाल ये पुलिस का काम करने का तरीका है, ये लोकतंत्र है, ये इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। बहरहाल यही खबर सिर्फ आपको बतानी है कि अशोक गहलोत जो है ने सफाई दी है और कहा है, क्योंकि अशोक कांग्रेस की बहुत बदनामी हो रही थी क्योंकि BJP की सरकार में हत्याकांड हुआ था, तो कांग्रेस जो है बड़ी बरसर के इसका विरोध प्रदर्शन किया था कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहती, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और इस तरह की चार्जशीट आई, इससे जो है वो कांग्रेस को थोड़े जो है वो कांग्रेस के खेमों में हलचल हुई, और इसलिए शनिवार को जो है वो अशोक गहलोत ने इस चीज़ की सफाई दी कि पहलू खान का नाम इस आरोप में, इस जो चार्जशीट है उसमें नहीं है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।